वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हमारे सामने है। यहाँ फिगर है और क्वेश्चन लिखा गया है, द स्क्वायर्स आर फाउंड बाय इंटरसेक्टिंग द लाइन सेगमेंट ए बी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रोकन लाइन ए ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ए सिक्स ए सेवन ए एट ए नाइन ए टेन ए इलेवन ए ट्वेल्व बी इफ ए बी इक्वल 30 सेंटीमीटर। अब बड़ी बड़ा ही पेचीदा क्वेश्चन है, इसको हम लोग जो है सो आसान भाषा में समझते हैं। ये जो फिगर आपके सामने है इसमें सभी जो है क्लोज्ड फिगर स्क्वायर है, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया ये सारे स्क्वायर्स हैं, ठीक है। और ए बी जो है लाइन, ये ए बी लाइन सेगमेंट, इसका जो है सो लेंथ 30 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। हम लोगों को बताना है ए से लेके, और ये जो लाइन है सारा ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ए सिक्स ए सेवन ए एट ए नाइन ए टेन ए एलेवन ए ट्वेल्व और बी, यानी यहाँ से लेके और ये सारा लाइन बी तक, इसका लेंथ क्या होगा ये बताना है। मैंने इसको समझाने के लिए ए बी जो लाइन है इसको रेड कलर से ड्रॉ किया है और जिसका लेंथ निकालना है वो ब्लैक कलर से ड्रॉ किया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको नेट पे या यूट्यूब पे मिलेगा नहीं, बस आपको जो है सो पहेली की तरह समझा दिया जाएगा अंग्रेजी में या फिर किसी और भाषा में कि ये ऐसे है, इस तरह से हो जाएगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन किसी ने नहीं बताया। मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस पूरे लेंथ को हम लोग पार्ट वाई एज्यूम कर लेते हैं, किसी भी वेरिएबल का यूज़ कर लेते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को हम लोग ए मान लेते हैं, ठीक है। इसको बी, इसको सी, ये डी, ये ई और यहाँ तक, ठीक है। आप देखेंगे कि ये ए जो है इस स्क्वायर का साइड हो जाएगा, ठीक है, यानी इस स्क्वायर के साइड का लेंथ ए हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को ए माना। उसी तरह ये सारा जो है सो हर एक स्क्वायर का साइड हो जाएगा, ठीक है। ए बी इक्वल्स 30 सेंटीमीटर दिया गया है, इसीलिए हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी सभी लेंथ को प्लस डी प्लस ई प्लस एफ इक्वल, ये पूरा लेंथ मिलके ए भी ना बनेगा, तो ए बी मतलब 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस वाले स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा, 4 इंटू साइड होता है तो 4a, ठीक है, इसका 4b पेरीमीटर, इस वाले स्क्वायर का 4c, इस वाले स्क्वायर का 4d, 4 इंटू डी, उसी तरह इस वाले का 4e, इस वाले का 4f इक्वल 4। आप देखेंगे कि इन सभी में 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि ए बी सी डी ई एफ सभी का सम क्या है, ए बी के बराबर है, यानी 4 इंटू ए बी हो गया, ठीक है। ए बी का लेंथ हम लोग जानते हैं कितना है, 30 सेंटीमीटर, 4 इंटू 30 सेंटीमीटर इक्वल 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, मतलब इस वाले स्क्वायर का पेरीमीटर, इस वाले का, इस वाले का, यानी सभी का पेरीमीटर अगर हम लोग जोड़ देंगे तो 120 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। लेकिन हम लोगों को इस वाले लाइन का ए बी का लेंथ नहीं बताना है, सिर्फ और सिर्फ ए ए वन ए टू ए थ्री ए फोर यानी बी तक का लेंथ, जो ब्लैक वाला इसके से ड्रॉ है लेंथ, उसी लेंथ को बताना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले लेंथ को घटा देंगे, ठीक है, इस वाले लेंथ को
घटाएंगे पूरा था 120 सेंटीमीटर, इसमें से हम लोग कितना घटाएंगे, ए बी का लेंथ 30 सेंटीमीटर था, इसको घटा देंगे तो क्या बचेगा 90 सेंटीमीटर। तो इसीलिए ए ए वन ए टू ए थ्री से लेके ए ट्वेल्व बी तक का लेंथ हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।